हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डायघर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करके उन्हें ठगी का शिकार बनाया करता था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मुम्बरा कौसा के रहने वाले हैं। शील डायघर में श्रीनाथ अयोध्या सोमनाथ, जो नवी मुंबई के रहने वाले हैं, इन्होंने शिकायत की थी कि उनसे 2 लाख रुपये लेकर उन्हें उसके बदले में डबल अमेरिकी डॉलर देने वाले, जो डॉलर दिया है उसमें ऊपर सिर्फ डॉलर है और अंदर पेपर की कटिंग लगाकर दी गई है, और इसके एवज में उनसे 2 लाख रुपए ले लिए गए हैं। इनकी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चंद्रकांत जाधव, रामचंद्र मोहिते, प्रदीप सरफरे, भूषण कापनीस, पंकज गायकर, राकेश छत्रे, सुशांत पाटिल, विकास गुगाडे, कृष्णा बोराड़े, राजू सुनावने, महेंद्र बर्फ, वंदना बागल, इनकी टीम ने गुप्त जानकारी पर कल्याण फाटा पर अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करने आए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम हैं सफीउल्ला एनियुल शेख 25 वर्षीय, याकूब अली हुसैन शेख 22 वर्षीय। ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं मगर मुम्बरा के कौसा में रहते हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन और 23,000 रुपये कैश बरामद किए हैं और कुछ अमेरिकी डॉलर भी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ACP घोसालकर ने बताया कि इनकी गिरोह काफ़ी दूर तक फैली हुई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस तरह के झांसे में ना आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पूरी जानकारी दी है? करेंसी लेके आने वालों को नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसी जो चीज़ की चीटिंग होती है, किसी जल्दी में जल्दबाजी में पैसा कमाने के लिए या फास्ट मनी कमाने के लिए किसी भूल भुलैया में मत जाओ। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास डॉलर है मैं सस्ते में देता हूँ, मेरे पास सोना है मैं सस्ते में देता हूँ, बाहर 50,000 रुपये कर रहे तो मैं 25 में या 30 में देता हूँ, ऐसे अगर आप उनके अमिश पे जाएंगे तो आप तक जाओगे। कोई भी अपना खुद का नुकसान करके कोई किसी को पैसा या डॉलर या सोना नहीं देता। हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब है इनके अंडर सुपरविजन में हमारे DCP साहब, रीजन साहब और हमारे ACP साहब और हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब, इनके अंडर एक टीम बनाए और इन्होंने हमको मार्गदर्शन किया। उसके बाद ये टीम, ये जो गिरोह है इसका पर्दाफाश हुआ है। ये जो डॉलर गैंग है यहाँ पे, तो लोगों को मतलब एक झांसा देती थी कि हमारे पास अमेरिकन डॉलर है और मतलब मेरी कोई माँ है जिसके पास डॉलर रखे हैं और ये डॉलर मैं अभी मेरे पास कोई लेने वाला नहीं तो आप लीजिए, ऐसे करके एक ओला टैक्सी वाले को इन्होंने एक सुझाव दिया। उसके बाद ओला टैक्सी वाला वाशी से शील टाइगर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आया और ज्यूरिडिक्शन में आने के बाद उसने 2 लाख ये यहाँ के ये जो आरोपी है इनके पास दिए और इन्होंने उसके हाथ में खाली कागज और एक 2 डॉलर थमा दिए। उसके बाद उसको समझ में आया कि ये डॉलर नहीं बल्कि खाली कागज़ है। उसके बाद उसने हमारे पुलिस स्टेशन में FIR की। FIR करने के बाद हमने यहाँ पे जो नंबर से इनको कॉल हुए थे उसका CDR का एनालिसिस करने के बाद और हमारे जो पुलिस स्टेशन के API सरपरे साहब है उन्होंने उनके जो इन्फॉर्मेंट है उनका एक बखूबी से मतलब इस्तेमाल किया और उनके इन्फॉर्मेंट के आधार पे हमने इनको मुम्बरा और यहाँ से पूरा एक ट्रैप लगाया और सील टाइगर सील फाटा पे ये मैं सरपरे साहब और ये हमारा जो स्टाफ है अभी मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं और एक लेडी कॉन्स्टेबल इन्होंने मिलके एक ट्रैप लगा के उनको हमने अरेस्ट किया।
और अरेस्ट करने के बाद ये रिकवरी की।